भाई सीधा शुरू करते हैं आपने जो आप जाते हो हॉन्ड्रेड प्लेसेस पे आपने जो रियल घोस्ट को एक्सपीरियंस किया है जो देखा है कैमरे में कैप्चर किया है स्टार्टिंग वहीं से करते हैं बताओ कोई किस्सा बढ़िया देखो मैं पहले तो ना इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था और जो मेरे चैनल की थीम थी बेसिकली वो ये भी वो भी यही थी कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि ये सब चीज़ें होती नहीं है लेकिन दो ढाई साल मैं ये सब करता रहा नॉर्मल व्लागर की तरह जाता रहा लोकेशनस पे कि यहाँ पर कुछ है या नहीं है लेकिन एक अम्बाला होटल मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि अम्बाला में एक होटल है और वो बहुत हॉन्टेड है बेसिकली uh, वहाँ पे ना कुछ मज़दूर वजदूर मर गए थे और डिस्प्यूट का के कोई केस था इसलिए वो होटल बंद हो गया था हम वहाँ पे नॉर्मल जैसे व्लागिंग करते हुए जाते हैं वही गए तो ऊपर आवाज़ें आने लगी कुछ अजीब अजीब दरवाजों की हमने सोचा शायद यहाँ पे कोई बंदे हैं चोर हैं लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था फिर मैंने जब ये मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ ना तो मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी करनी शुरू करी और मैंने बाहर से यूरोप से मतलब वीडियो कॉल के थ्रू मतलब मैंने इसका कोर्स किया पूरा और फिर मैंने गैजेट्स के थ्रू वहाँ पे गया तो मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी वहाँ पे जो कि मतलब पैरानॉर्मल थी तो क्या है? कैसे एक्सपीरियंस किया कुछ बताओ ना क्या दाँग थी दाँग दाँग वो चीज़ें और क्या मतलब हम गए वहाँ पर और आ, कुछ डिवाइस थे हमारे जैसे कि है ना सबसे पहले तो है ना पहले क्या होता था ना और तरीके से है ना इन्वेस्टिगेशन करते थे लोग वो क्या करते थे जो व्लॉगर होते थे वो सीधा जाते थे विदाउट गैजेट्स और जो इन्वेस्टिगेशन करते थे वो गैजेट्स के साथ जाते थे लेकिन है ना मैंने इन दोनों को मिक्स किया पहले आप जाते हो ना किसी हॉन्ड्रेड प्लेस पे तो वहाँ की वाइब चेंज हो जाती है मतलब जैसे कि टेम्परेचर में फ़्लक्चुएशन वो आप ख़ुद से फ़ील करोगे पहले जाके अच्छा। फिर वहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर में कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ रहा है बाहर इतनी गर्मी हो रही है और अंदर माइनस में टेम्परेचर हो जाता है ठंडा हो जाता है हाँ तो ऐसी ऐसी चीज़ें और फिर मैंने ना मोशन सेंसर है हमारे पास कुछ तो वो क्या करता है लाइट की स्पीड से भी अगर कोई चीज़ निकलेगी ना तो उसको कैप्चर कर लेगा वो और वो लाइट जल जाएगी उसमें तो मेरे कुछ क्वेश्चन थे अब जैसे कि बेसिकली क्या होता है ना एक हार्ड कहते हैं ना जिसको प्रूफ के लिए हम जो करते हैं जैसे कि हमने हम बातें कर रहे हैं अभी नॉर्मल अब हर बात पे आप जवाब जो आपके अलग अलग होंगे ना ऐसे ही स्प्रिट्स के होते हैं तो हमने जो मोशन सेंसर के थ्रू उनसे बातें करी ना वो बहुत अलग थी और फिर मैंने वहाँ पे एक नाइट विजन कैमरा लगाया तो नाइट विजन कैमरा में एक चीज़ जा रही है और उसके पैर नहीं है अरे भाई तो ये रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड ये रिकॉर्डेड है है ये है। ये है। ये अब तक का सबसे हार्ड एविडेंस है ये आप अम्बाला होटल की बता रहे हो ना तो ये मतलब अपर बॉडी थी उसकी ये सिर्फ अपर बॉडी थी और कम्युनिकेट किस वे में कर रहे थे मतलब वो डिवाइस से आप कैसे करते हो डिवाइसेस के थ्रू जैसे आपने डिवाइस रख दिया वहाँ पे और आप बता सकते हो काफ़ी मतलब काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है अब आप उसको बता सकते हो कि भाई आप इसके पास से निकलोगे तो हमें पता चल जाएगा अब जैसे मैंने उसको बोला कि तीन बार अगर आप निकलोगे तो पता चल जाएगा तो तीन बार ही लाइट जली तो वो स्ट्रांग कॉम्युनिकेशन होता है आप हिंदी में बोल रहे थे ऐसे नॉर्मल जैसे कि अगर कोई यहाँ पर है तो वो तीन बार इस लाइट के पास से निकल जाए अब जैसे कि आपको ये जानना है कि वो मेल है या फीमेल है तो आपने मेल बोला कि आप कोई आदमी हो तो वो नहीं जली अगर आपने बोला कोई फीमेल हो तो वो जली ओ तो ऐसा कम्युनिकेशन होता है तो बेसिकली आवाज नहीं आती आतीज इन साइंस में कम्युनिकेशन नहीं स्प्रिट जो होती हैं वो आपसे वैसे बात नहीं कर सकती और अगर बात कर भी सकती है तो ये जियो फ़ोन आते हैं छोटे छोड़ छोटे जिसके थ्रू आप बहुत मतलब और वो जो इतनी डिस्ट्रॉक्शन होती है ना आवाज में वो आप क्लियर नहीं कर सकते कुछ भी की नाम आ जाएगा अच्छा। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ये भी चीज़ हुई मेरे साथ मैं नेपाल बॉर्डर पे कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो स्प्रिट बॉक्स होता है जिससे आप स्प्रिट से बातें कर सकते हो बेसिकली स्प्रिट बॉक्स होता क्या है जैसे उसके अंदर कुरान गीता बाइबल इन सब को डाल डाल और ये इन्वायरमेंट में अपने वर्ड्स फ्रो करते हैं अच्छा। तो एनर्जीज कुछ भी वर्ड्स पकड़ के वापस उसमें डालती है और उसको आपको पता लगता है कि क्या बात है। तो हम नाम पूछ रहे थे तो जो हमें है ना मतलब वहाँ पे ना क्या होता है वहाँ पे पूरा टाइगर टेरिटरीज हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गए थे हम तो हम बोट से गए थे वहाँ पे जो लोगों के खेत है ना गन्ने के वो भी बोट से ही जाते हैं पानी भरा हुआ उसमें इतना तो जो हमें बोट वाला लेके गया था ना तो उसने बताया कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे हमें परेशानी होती है तो हमने पूछा भाई नाम क्या है तो जैसे ही नाम आया ना तो वो बोट वाला बेहोश हो गया मैंने कहा ये क्या हुआ भाई और ये वीडियो में प्रॉपर अच्छा। और वो बोट वाला कहता है कि ये जो नाम है मेरी बेटी का है दस साल पहले मर चुकी है तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कम्यूनिकेशन होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर ये रियल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो भाई जो जब वो आपने रियल देखा था जो आप बता रहे हो हम वाली जगह उसका जो अपर स्ट्रक्चर था वो कैसा था नॉर्मल इंसान की तरह था या फिर वो मतलब लग रहा है कि कोई एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है उसका एक हाथ है बट वो है वो गैसियस फॉर्म में ना हाँ वो इसलिए पता लगता है अगर कोई आदमी निकलता है ना ऐसे तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा लेकिन अगर पीछे स्पेस डिस्ट्रॉशन हो रहा है तो इसका मतलब कोई एनर्जी जा रही है तो वो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीछे से स्पेस डिस्ट्रोशन होता चला जा रहा है भाई मैं ज़रा इसके बारे में और जानना चाहता हूँ डिवाइसेस के बारे में तो कितने तरह के डिवाइसेस हैं वो कहाँ से मिलते हैं आपने कहाँ से परचेज़ करे और वो कैसे यूज़ होते हैं भारत में तो नहीं मिलते सारे बाहर से मंगाने पड़ते हैं आपको दुबई से इम्पोर्ट करे पड़ते हैं अच्छा। हाँ बाहर से कैनाडा से मंगाने पड़ते हैं लेकिन है ना मैं अभी भी बता दूं आपको ये सब जो है ना ये थ्योरी बेस्ड ही है अभी भी प्रूवन नहीं है जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादातर मिलिट्री आर्मी यूज़ करती है एनर्जीज़ को जो ये बॉम्ब्स डिटेक्शन ये से, इन सब चीज़ों में तो बेसिकली वो है वो डिवाइसिस अच्छा तो आपके पास क्या क्या है मेरे पास ऑलमोस्ट सारे डिवाइज हैं अभी तो क्या क्या एक बार बताओ बताऊँ एक ई एम मीटर होता है जिससे आप एनर्जी इसको मतलब देख सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है कहाँ पे कम है टेम्परेचर मीटर नॉर्मल जो होता ही है एक मोशन सेंसर होता है नाइट विजन कैमरा यूज़ होते हैं इसके अंदर स्प्रिट बॉक्स यूज़ होता है इसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं ये पूरा सामान कितने का आ जाता है करीब आ जाता है लाख डेढ़ लाख के अंदर हाँ